डस्टिंग करने जा रही हूँ। ये मेरी बहन की किताबें हैं, सिस्टर की, और मेरी भी किताबें यहाँ पर है, तो मैं इसकी थोड़ी सफाई कर लेती हूँ सोच रही हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदी अलमारी हो गई है, काफ़ी डस्ट इस पर जमी हुई है, तो थोड़ी बहुत सफाई आज सोच रही हूँ कर लेती हूँ। किताबों का तो आप लोग अपनी किताबें कैसे रखते हैं ये मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि देख रहे हैं काफ़ी लंबे बाद समय बाद मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं इसकी डस्टिंग कर रही हूँ सलमारी की, तो काफ़ी गंदी हो गई तो मैं इस तरह से साफ कर दे रही हूँ। जब भी मुझे फुर्सत मिलती है अपने कुकिंग के काम से मैं तो थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ। पढ़ाई तो मेरी नहीं हो पाती है क्योंकि मेरा कुकिंग का काम इतना ज़्यादा हो जाता है तो पढ़ाई बड़ा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेती हूँ। ये पेपर है, पेंसिल पेपर, इसको ये सारे उसके नोट्स हैं, सिविल की प्रिपरेशन करती है मेरी सिस्टर, इनकी किताबें हैं, उसको यहाँ लगा देते हैं। मैं भी प्रिपरेशन करती हूँ और जब भी मुझे समय मिलता है थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, पर ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है पढ़ाई के लिए क्योंकि मेरा कुकिंग का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कोशिश करती हूँ उस समय मैं निकालूँ अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी होता है, बीच में किसी काम को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉम्पिटिशन देना चाहिए। थोड़ा सा और काम बचा है, इसको भी पूरा कर लेते हैं। ये मेरी एल्बम है उसकी छोटी सी, ये देखिए, ये मेरे बचपन की फ़ोटो है, मेरे मम्मी पापा एंड मी एंड माय सिस्टर, और ये पिक्चर है, ये फोटो मुझे सबसे अच्छी लगती है। ये हमारे हॉस्टल की है, न्यू ईयर पार्टी की है, इसमें हम लोग लिट्टी चोखा की पार्टी कर रहे हैं न्यू ईयर वाली रात पर 31st को। ये मेरी सिस्टर है और उसकी सारी सहेलियां हैं हॉस्टल की, फ्रेशर पार्टी का है इनके। मैं पेन स्टैंड यहाँ पर पेन लगा लेती हूँ सारी, कितनी भी हैं, स्टेपलर को मैं यहाँ पर सेट कर देती हूँ। और ये मेरे पास एक साउंड भी है एलेक्सा। बस ये अलमारी तो मैंने सही कर दी है अच्छे से, नीचे वाली सही हो गई है, और अब बारी आती है मेरी किताबों की बारी, मैं अपनी भी किताबें सही कर लेती हूँ। तो जस्ट इसके ऊपर वाली, ये इसमें मेरी किताबें रखी हुई हैं, अपनी अलमारी भी मैं सही कर लेती हूँ। और मेरे पास देखिए बहुत सारी किताबें हैं, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संस्कृत से मैंने एमए किया हुआ है, और संस्कृत से ही मैंने संस्कृत विश्वविद्यालय से मैंने बीएड किया है। और ये देखिए मेरे पास क्या है, ये श्रीमद् भगवद गीता, कभी कभी पढ़ लेती हूँ। और ये मेरे पास है भर्तृहरि का नित शतकम, मैं भी भूल गई थी पहनना।
किताब है, श्रीमद् भगवत गीता। ये मुझे मेरी कोचिंग से मिली थी। हमारे आरके सर हैं, तो हर वर्ष और जनवरी के महीने में, माघ के महीने में संगम के किनारे यज्ञ करवाते हैं बच्चों की सफलता के लिए, उनके सिलेक्शन के लिए। तो सभी छात्रों को ये किताबें देते हैं, श्रीमद् भगवत गीता की एक पुस्तक देते हैं, और गंगा क्षेत्र में भी वो इस किताब का दान करते हैं। तो सर हमारे जो हैं व्याकरण बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने संस्कृत में जितना भी व्याकरण सीखा है वो आरके सर से सीखा है, तो इसके लिए मैं आरके सर को कोटि कोटि धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और ये देखिए, उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अलग है। वो किताबों में ही सारा नोट्स बनवा देते थे। ये देखिए, इसमें ये जितने अध्याय हैं गीता के, उनके नाम लिखे हुए हैं, और इस तरह से सारे नोट्स उनके किताबों में रहते थे। और ये मैंने अलमारी को अच्छे से साफ कर दिया है, अपनी भी और कल्पना की किताबें भी मैंने सही जगह पर अच्छे से सेट कर दी हैं। फिलहाल ये 2 दिन बाद फिर से अव्यवस्थित ही हो जानी है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन फिलहाल चलो आज तो अच्छा लग रहा है। आप लोग अपनी किताबें कैसे रखते हैं ये नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को चिड़िया की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। मेरे जस्ट रूम के बगल में ही गौरैया ने घोंसला बना रखा है, और 24 घंटे वो लोग चीं 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 करती रहती हैं। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन गौरैया का घोंसला बनाना घर में शुभ माना जाता है। सफाई करते करते देखिए मुझे क्या मिला है। चुप रहो। देखिए मेरी बहन जो है आ गई है। आओ इधर दिखाओ, दिखाओ सबको। क्या तुम मेरा पैसा है? दो मेरा पैसा लेके भागी जा रही है। पैसा रखे थे ना तुम? रखी थी हाँ, दो। तो ये दो मम्मी आई थी तो मुझे दी थी। मेरा पैसा है ये मेरा। तो पैसा ले लिया गया है। और ये गुल्लक है जो इनको मैंने दिया था दिवाली पर पैसे सेविंग करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं करती हैं, सारे पैसे खर्च कर डालती हैं। तो कभी कभी मैं डाल देती हूँ इसमें चिल्लर, तो अब इसको रख देते हैं। ये पपाया की शेप में है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अलमारी तो ये सारी किताबें सही हो गई हैं, लेकिन अब ये ज़्यादा दिन ऐसे नहीं रहेंगी। कल तक फिर से वो अस्त व्यस्त हो जाएंगी जैसे पहले थी। जब मैंने साफ कर दिया है, इसकी डस्टिंग कर दी है एक बार, कल से फिर ऐसी हो जाएंगी। चलिए ठीक है, पढ़े ना उसको ना, इसे रखा रहेगा। ये मेरी सिस्टर हैं और ये कोचिंग जाने के लिए तैयार हो रही हैं, और कह रही हैं कि मेरे बाल देखो लंबे हो गए हैं कि नहीं। अब बताइए इनके बाल लंबे हुए हैं कि नहीं। डेली ये पूछती है तो हम क्या बताएं, डेली झूठ बोलें। कोचिंग जा रही हैं ये। और ये देखिए, ये मेरी जीन्स और मेरा टॉप, ये दोनों टॉप मेरा है, ठीक है, ज्यादा नहीं मेरा है। और ये सब हड़प लिया गया है, अब देखिए कब मिलता है। अब मिलेगा नहीं, वो चला गया मेरे पास से। जी नहीं, अपने कहीं हो गई आप तैयार? अब ये देख, बहुत तेज है इसलिए मैं टोपी लगा, हैट लगा रही हूँ। ये देखिए, लग रहा गोवा जा रही है टूर पे, कोचिंग नहीं जा रही है। और ये लीजिए चश्मा भी मेरा लग गया। सारी चीजें हड़प ली गई हैं, मिलेंगे नहीं। छोटी बहन का बड़ी बहन पे अत्याचार, क्या आप बताइए आप लोग, क्या सही है? सही है। बोलो दीदी के चैनल को सब लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मेरा जीन्स पहन ली हो, मेरा टॉप पहन ली हो, तो कम से कम मेरे चैनल को तो प्रमोट कर दो जाने से पहले। आप लोग दीदी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इनका कुकिंग चैनल विनीता मौर्या अपनी रसोई को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं जा रही हूँ अब कोचिंग, बाय बाय, थैंक यू। सो गाइज, आज का वीडियो इतना ही है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही मेरे मेन कुकिंग चैनल विनीता मौर्या अपनी रसोई को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह से मैं फिर से मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।